वेलकम बैक टू विंग से कुड़ान दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मैथ्स एंड स्टैट्स के अंडर आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोई भी फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, जिनके बेसिस पे आप MCQs को सॉल्व कर सकते हो, वो सभी कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम बंगल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग से कुड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, हमारी जो सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज 2.0, वो भी हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, नियर अराउंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स ने अपने आपको रजिस्टर करवाया है उस टेस्ट सीरीज़ के लिए। टोटली आपके JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम स्पेसिफिक ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, जो भी उनके कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे वो डील करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपका समय है जहाँ पे आप अपने आप को जितना भी आपने 5-6 महीने से पढ़ा है वो एनालाइज कर पाओ। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप विंग्स ए कुड़ान। गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड ऐप विंग्स ए कुड़ान, देन गो टू स्टोर सेक्शन। जैसे ही स्टोर सेक्शन पे जाओगे आप, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज 2.0 मिलेगी। 5 टेस्ट इस पे है, टोटली एग्जाम स्पेसिफिक है वो, उसके लिए आप रजिस्टर करोगे। और टेस्ट के शेड्यूल्स जो हैं, डेट्स जो हैं, वो वहाँ पे दी गई है। हर 3 दिन के या 2 दिन के गैप के बाद टेस्ट जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे। और ऑन द स्पॉट जिस दिन टेस्ट अपलोड होता है उसी दिन आपको टेस्ट देना भी है। और इससे होगा क्या, आपको रैंक का पता चलेगा कि क्या आप जो 2000 वैकेंसीज या 1900 वैकेंसीज उसमें अलाई करते हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप इसी दिन टेस्ट दोगे, जिस दिन टेस्ट अपलोड होगा उसके बाद भी दे सकते हो आप। तो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले दोस्तों, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कि आपका एक टॉपिक बताया गया आपके सिलेबस में, उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। सिंपली जो भी हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं या हम प्लेन की बात करते हैं, उसके ऊपर ये सब चीज़ें रिलाई करती है। देखो जब भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आपने डिस्क्राइब करना है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जब आप डिस्क्राइब करोगे, जैसे बचपन में हम ग्राफ्स बनाते थे, एक लाइन बनानी होती थी, लाइन किस तरह से बनती थी, कुछ पॉइंट्स को ड्रा करते थे, पॉइंट्स को जोड़ते थे, फिर लाइन बनती थी, तो वो भी क्या था, कार्टेशियन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो आइए रीड करते हैं। द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। और किसमें, प्लेन में। प्लेन कैसे बनता है, प्लेन बनता है 2 एक्सिस की मदद से। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, ये भी एक प्लेन है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है ये? देखो यहां पर कार्टेशियन सिस्टम की बात करूं, किस पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया, एक पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया है 3-2, उसकी पोजीशन दिखाई है। 3 का मीनिंग क्या हो गया, 3 का मीनिंग हो गया आप बोल सकते हो ये x की वैल्यू है, और जो बाद में मिलेगा ये आ जाएगी y की वैल्यू। मींस x एक्सिस के ऊपर आपको 3 पॉइंट पे जाना, ये आ गया 3 पॉइंट, और y एक्सिस के ऊपर आपको 2 पॉइंट पे जाना। इन दोनों को जोड़ के आपको जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज 3, 2। इस 3-2 पॉइंट्स को हम बोलते हैं, या इन वैल्यूज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। क्लियर? अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक आ गया हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, मैंने लिखा हुआ है यहां पर, इसके उल्टा वो आ गया हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस। उसी तरह से ये क्या होता है, y एक्सिस, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये होगी पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस की, नीचे आ जाओगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस की। अब ये जो आपने 2 लाइंस ड्रॉ की, कौन सी, x o x dash y o y dash, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन O। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, ये आ गई एक और ये दूसरी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कौन सी लाइंस है, एक आ गई x x डैश, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी लाइंस इस तरह से होंगी वो होंगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो लाइंस इस तरह से होंगी वो होती है वर्टिकल लाइंस। तो दूसरी लाइन कौन सी होगी, y y डैश, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्लियर है ये भी सभी? अब ये जो तब हमने 2 लाइंस को इंटरसेक्ट किया, हमारे पास 4 हिस्से बन गए। कौन कौन से, एक ये है, सेकेंड वन इज दिस, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन। ये जो 4 हिस्से बने इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, 4 इक्वल पार्ट्स है ये। अब क्वाड्रेंट को भी हमने किस तरह से क्या नाम दिया है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। अब क्वाड्रेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आगे दिए जा सकते हैं आपको, पहले ये रीड कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस की इंटरसेक्शन डिवाइड करती है इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 पार्ट्स में।
हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाएगा एक चौथाई हिस्सा। क्लियर? क्या बोला जाएगा? एक चौथाई हिस्सा। अब बात आती है कि क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, वो बात करते हैं। देखो, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट मींस इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स यहां नेगेटिव है और वाई यहां पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। इस क्वाड्रेंट की बात करें अगर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यहां दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। और अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इट मींस पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव दिख ही रहा है, हम ये तो बना भी सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें हम तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव है, ये भी क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स कैसे बनते हैं, क्वाड्रेंट्स में कौन सा एक्सिस पॉजिटिव, कौन सा एक्सिस नेगेटिव, ये सब हमने देखा है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे आपको। अब बात आती है यहीं से एब्सिसा क्या होता है। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं यहां पर, बट अगर टेक्निकली बात की जाए एब्सिसा जो एक नाम दिया गया, ये किसको नाम दिया गया तो समझिएगा। देखो, हमारे पास एक पॉइंट था 3,2। हमें पता है इस पॉइंट की पॉइंट जो है ये, अगर मैं एक्स एक्सिस पे बोलूं ये 3 मिला, तभी मैंने यहां 3 लिखा था। अब ये अगर 3 है तो इसके सामने ये लाइन कितनी होगी, 3 होगी ना। और ये 2 है, ये 2 है तो ये सामने वाली लाइन क्या होगी, 2। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इस पॉइंट की या एब्सिसा की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स की वैल्यू, जिसे बोलूंगा एब्सिसा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो क्या है, एक्स की वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और दूसरा नाम क्या आ जाएगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? और इसी तरह से अगर मुझे ऑर्डिनेट की डेफिनेशन बनानी है वो भी बना लेते हैं। अब ऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई की वैल्यू 2, इट मींस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ना, यही हो गया ना। तो हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है हमें पॉइंट का, वो कौन सा आ गया हमारे पास, ऑर्डिनेट। और इसी को दूसरे नाम से क्या जाना जाएगा, ये वाई का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? अब आते हैं आगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जस्ट अ सेकंड, तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला का मीनिंग क्या हो गया, जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी हो, अगर उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो उस फॉर्मूले को बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके जरिए हम ये दूरी निकाल रहे हैं। जैसे यहां पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। हमें दूरी निकालनी है पी और क्यू के बीच में। अगर आप में से स्टूडेंट्स ने कुछ फिजिक्स पढ़ी है क्लास 11th की, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और ये चीज होती थी वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वही चीज यहां पर भी है, हमें पी क्यू निकालना है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला विल बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो आपने करना क्या है, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं तो मैं ये बोलूंगा कि या ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। आज बेसिकली हम कर रहे हैं क्या है, सिर्फ जो फॉर्मूलाज है इस चैप्टर की वो पढ़ रहे हैं, कल जो वीडियो आएगी वो आपको एमसीक्यूज पे मिलेगी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की बात करते हैं। सिमिलरली ऐसे तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमें निकालना है, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बट वो तब जब बेस की वैल्यू दी हो, वो तब जब एल्टीट्यूड की वैल्यू दी हो, यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो क्या कर सकते हैं। देखो, एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। क्लियर? अब बोल रहे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो फॉर्मूला इज हाफ। अब ये बच्चों को शायद याद करने में दिक्कत आए, देखो एक पैटर्न है, पैटर्न समझो, मुश्किल नहीं आएगी। हाफ ब्रैकेट में x1, बाहर x1 आएगा, अंदर वाली ब्रैकेट में y आएंगे, x1
उसके बाद Y2 माइनस Y3, देखो 1, 2, 3 कॉम्बिनेशन बन गया, प्लस X2, अब 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 नहीं 1 लेना है हमने, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम 1, 2, 3, 3 के बाद वापिस 1, 2, 3, इस तरह से चल रहे हैं। तो इट लीज इट मीन्स Y3 माइनस Y1, और फिर रह गया X3, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो Y1 माइनस Y2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए इट मीन्स ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स जो है ये स्ट्रेट लाइन पे हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन पे है? मान लो अगर आप बोलो कि सर एक ये पॉइंट ले रही हूँ, एक ये ले रहा हूँ और एक यहाँ ले लिया, तभी तो ट्राइंगल बन सकता है भाई। बन नहीं सकता क्या? तभी तो ट्राइंगल बन सकता है। ट्राइंगल का एरिया 0 तभी होगा जब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे ना हो ट्राइंगल तो फॉर्म होगा ही, चाहे दो भी अगर स्ट्रेट लाइन में हो, तीसरा कहीं और है, फिर भी ट्राइंगल फॉर्म होगा। कैसे? ये ले एक पॉइंट ये लिया, एक ये स्ट्रेट लाइन पे, तीसरा ये बन गया ना ट्राइंगल। तब भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा? जब भी तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हो। तो उस केस में हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला भी। ये क्या बोलता है? जब भी किसी भी एक लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट दो हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों की अगर रेशियो बनाए हम, उस रेशियो को बोलेंगे m:n। मैं बता रहा हूं वापिस से, मैं यहां बना रहा हूं, देखिए। मान ले हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी PQ, एक पॉइंट था A, इसने पूरी लाइन थी 10 सेंटीमीटर की, A ने से काटा 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में। इसका मीनिंग अगर मैं 2 और 8 की रेशियो निकालूं, 2 1s are 2 4s, क्या आएगा 1:4। ये किसकी वैल्यू होगी? m:n की। किसकी होगी? m:n की। तो अब होगा क्या सेक्शन फॉर्मूला जो है, पहली बात इसमें दो टाइप से, एक है इंटरनल डिवीजन, दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है, हमारे पास पूरी जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2, y2, ठीक, और एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, उसने इसे दो हिस्सों में बांटा, हिस्सों की रेशियो है m:n। हिस्सों की वैल्यू नहीं है m:n, रेशियो है। वैल्यू तो ये 2 और 8 आई, रेशियो क्या है 1:4, ठीक। तो पूछेगा क्या आपसे कि बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगर ये सभी वैल्यूज दे दे, x1 y1 दे दे, x2 y2 दे दे, m और n की वैल्यू दे दे रेशियो में, तो ये आपसे पूछेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जिसने इसे m:n की रेशियो में बांटा। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू m:x2 प्लस n:x1। m के साथ क्या आएगा? x2। n के साथ क्या आएगा? x1 अपॉन m+n। एक बार याद कर लो, भूलेगा नहीं। ये चीज जो है ना, ये हमें देगा किसकी वैल्यू? ये x की वैल्यू देगा। और जब y की निकालनी है तो m:y2 प्लस n:y1 अपॉन m+n। देखो नीचे यहां भी m+n यहां भी है, बस यहां ये x की कोऑर्डिनेट है इसलिए x यूज हो रहे हैं, वो y का कोऑर्डिनेट इसलिए y यूज हो रहे हैं, और यहां पे शुरुआत में x2 है ना कि x1, याद रखना। m के साथ x2 और n के साथ x1। तो ये जब यूज करेंगे हमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट ने इसे काटा है वो पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है। अब दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन, वो क्या बोलता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और वैल्यू बताता हूं आपको। दोबारा से मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, ये आया पी, ये आया क्यू, ज्यादा ही हो गया, बड़ा छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए क्यू, ये टोटल है 10 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट है हमारे पास ए, वो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पी से लेके ए तक की दूरी, पी से लेके ए तक की दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और Q से लेके A तक की दूरी वो हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। रेशियो क्या आ जाएगी? 3:1। इस पॉइंट A ने इन PQ को आप बोल सकते हो बांटा, हालांकि बांटा नहीं है, बना दिया किस रेशियो में? 3:1 में। इसे बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट A है ये बाहर लाई कर रहा है इस लाइन के। सेम बाकी सब चीजें सेम, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 सेम, और ये जो पॉइंट है A इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है,
रेशियो भी क्या हुई, ये हो गया एम हिस्सा, कौन सा पी से लेके ये तक, और ये हो गया एन हिस्सा, मतलब जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे ये क्या था 15, ये क्या था 5, इसको काट के जो वैल्यूज आ रही है वो है एम इज टू एन, 3:1 इज एम इज टू एन। तो फॉर्मुला इज एग्जैक्टली सिमिलर, यही एम इन टू एक्स टू, बस प्लस की जगह माइनस, बाकी सेम, माइनस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और दूसरा क्या हो जाएगा एम इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन अपॉन एम माइनस एन, है ना फॉर्मूला सेम। ये हमें किस चीज की वैल्यू दे रहा है, इस एक्स की, और ये किसकी दे रहा है, इस वाई की। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये एक्सटर्नल डिवीजन का जो सेक्शन फॉर्मूला है वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री के। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द एनसीक्यूज ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर ये जो एमसीक्यूज है ये सॉल्व नहीं हो रहे एनालिटिकल ज्योमेट्री के, तो पहले कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करवाए आपको, अब देखो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों अगर आप बोलोगे रिवीजन के लिए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। रखते हैं आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।